नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगा नहीं था कि आईपीएल के बीच आपसे बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि सच कहूं तो बैंड बजी पड़ी। वैसे बिजी होना अच्छी बात है और काम को मना करना सही नहीं होता, पर दोस्तों इस आईपीएल में एक के बाद एक लाइव क्रिकेट शो करने से फुर्सत ही नहीं मिला मुझे यहां आने की। आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं मार्च 26 से हर दिन कम से कम 5 लाइव शोज करते आया हूं दिन भर, और ये चलेगा मई 28 तक जब आईपीएल खत्म होगा। आईपीएल के शुरू होने से हर दिन मैं अपना क्रिकेट शो होस्ट करते आया हूं रपोसो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर, रोज 1 बजे, 3 बजे और शाम 6:30 बजे। इसके अलावा मैं नेटवर्क 18 के क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर लाइव शोज कर रहा हूं हर रोज एक, और साथ ही इनके लिए रिकॉर्डेड शोज भी करता हूं हफ्ते में एक बार स्टूडियो जाकर। इसके साथ मैं हर शाम 6 बजे News9 लाइव चैनल पे दिखता हूं आईपीएल मैच के प्रीव्यू शोज पर, और फिर cricket.com के यूट्यूब चैनल के लिए मैं हर फ्राइडे एक सैटायर शो पेश करता हूं जिसका नाम है बकलोली विथ जेमी। देख लीजिएगा कभी अगर फुर्सत मिले, ये थोड़ा हटके शो है कॉमेडी टच के साथ। दोस्तों साथ में हमेशा की तरह अपने क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर हफ्ते में 3 बार वीडियोस अपलोड करता हूं आईपीएल को लेकर, और इसके आगे डैफा न्यूज वेबसाइट के लिए क्रिकेट आर्टिकल्स भी लिखता हूं हर हफ्ते कम से कम एक। और फिर दोस्तों क्रिकेट के अलावा मैं हफ्ते में एक दिन नोएडा फिल्म सिटी जाता हूं नव भारत टाइम्स के स्टूडियो में आप सभी के पसंदीदा सैटायर चैनल फेक इट इंडिया के वीडियोस रिकॉर्ड करने। अब दोस्तों ये है सारे फिक्स्ड स्केड्यूल वाले काम, साथ में कुछ कैस्टिंग एजेंसी से कॉल भी आए थे कुछ फिल्म और वेब सीरीज के ऑडिशंस को लिए, जो मैं सेल्फ टेस्ट करके उन्हें भेज चुका हूं, जिनमें से ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक शो मिल गया और एक और के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका हूं। दो तो नहीं हुए बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और फिर रिसेंटली एक शाम को लिटरली बिटवीन 2 लाइव आईपीएल शोज आई वाज अ पैनलिस्ट ऑन अ डिस्कशन होस्टेड फ्रॉम द वेस्ट इंडीज। सच में तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मैं इस चैनल पर कई हफ्तों से नजर नहीं आया। वैसे आपने सुना ही होगा वो लाइन कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। इसका एक और पहलू है, जैसे आईपीएल शुरू हुआ तो एक दिन यहां नोएडा में तूफान आया और उस बीच बेटे के कमरे की खिड़की खुली और जब बेटा उसे बंद कर रहा था तो उसने अचानक चिल्लाया दीमक दीमक, और मैंने देखा कि वाकई में दीमक थी बालकनी के चौकट के अंदर। तो अगले दिन उस लकड़ी की चौकट को तोड़ना पड़ा और फिर यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर और चौकट लगाने पड़े, परंतु यूपीवीसी डोर और शीशे के ऑर्डर देने के बाद 5 दिन लगे उसे तैयार होकर घर पहुंचने में, तो 5 दिन तक बेटे के कमरे में दीवार टूटी पड़ी थी और आप समझ सकते हैं कि कितनी धूल मिट्टी जमा हुई उस कमरे में। फिर दोस्तों लगे हाथ मैंने कहा कि यार घर के सारे एसी की सर्विसिंग भी कर लो जब घर की हालत खराब ही है, और सोचिए कि इस सब के बीच डेली 5 लाइव शोज मैंने कैसे किए विथ पेस्ट कंट्रोल गाइज, लेबर्स, एसी रिपेयर गाइज कमिंग एंड गोइंग एंड पेइंग एब्सोल्युटली नो अटेंशन टू द साइन आई पुट अप ऑन द डोर ऑफ माय ऑफिस। बट जो भी है, सारे काम हो गए, चल रहे हैं और आईपीएल शोज भी तो चल रहे हैं, तो आई एम वेल डिस्पाइट द हेक्टिक स्केड्यूल। काम से अगर किसी चीज की फुर्सत मिली तो वो था बेटे को उनके फुटबॉल अकेडमी पे ड्रॉप और पिक करने की, और फिर सैटरडे मॉर्निंग्स को अपने क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट मैचेस खेलने का। तो इस बीच दोस्तों मैंने सोचा कि हमेशा की तरह आपके लिए एक अपडेट शेयर तो करता हूं ताकि आपको ना लगे कि बंदा यार ये फिर से गायब हो गया यूट्यूब से, चक्कर क्या है। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल एंड स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी। थोड़ा पेशेंस रखिए और मैं कुछ समय निकालकर जरूर आपके लिए कुछ मनपसंद नॉस्टैल्जिक वीडियो शेयर करता हूं बहुत जल्द। तब तक टेक केयर, be happy, love you all, Jai Hind।